आजा एक्शन एक्शन सेठ जी रिकॉर्डिंग ले आ रखी तूने? नहीं लगा फिर लगाएगा ही भाई क्या कर रहा एक्शन एक्शन थोड़ा क्लोज फोन थोड़ा लेफ्ट राइट रख तेरा फेस लिप्स दिखने चाहिए हाँ बोल सेठ जी पता नहीं लग रहा है एक्शन हेलो नमस्कार सेठ जी जल्दी लौटा दूंगा ये पीछे एक्शन सेठ जी कुछ समय एक्शन सेठ जी कुछ समय और दे दीजिए मैं पैसे लुटाने की पूरी कोशिश करूंगा ऑफ मत करना ठीक है क्योंकि ना स्क्रीन पे डायलॉग चल रुक जा एक्शन ठीक है सेठ जी नमस्कार रुक जा यार ठीक है सेठ जी मामा जी मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूं ना मिल जाए अरे ओए मामा जी मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूं ना मिल जाएगी सही है एक्शन एक्शन अब मामा जी मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए इसमें भी मेरी गलती है क्या तो मैं क्या करता मामा जी मुझे बिजनेस एक्शन तो मैं क्या करता मामा जी मुझे बिजनेस में घाटा लग गया तो मैं क्या करता मामा जी मुझे बिजनेस में घाटा लग गया एक दो वन गो मामा जी आप ऐसा कुछ मामा जी आप ऐसा कुछ मत कीजिए इस समस्या से तो मुझे भी बाहर निकलना है मैं कुछ ना कुछ ना आया डायलॉग उल्टू बोल गया पहले वाली लाइन बाद में बोल गया जब तू एंड डायलॉग बोल रहे हो तभी लाना है कैमरा हाँ जब मैं बोल दूँ ना इस समस्या से मुझे भी बाहर निकलना है उसके बाद एक्शन नहीं नहीं मामा जी आप ऐसा कुछ मत कीजिए मैं कुछ ना कुछ करता हूँ इस समस्या से तो मुझे भी बाहर निकलना है उठ गए सहजादे जब देखो सोता ही रहता है एक नौकरी थी वो भी छोड़ दी बड़ा अब सही नहीं आना तो सही नहीं आया फिर मिल जाएगी जब से तेरे माँ बाप छोड़ के गए हैं तब से मेरी जिंदगी में बोझ बन गया है तू एक्शन अगर उनके साथ तू भी चला जाता तो कम से कम ये उधारी का बोझ तो मेरे मेरे सिर पे ना रहता एक्शन उनके साथ तू भी चला जाता तो कम से कम ये उधारी का बोझ मेरे सिर एक्शन उनके साथ तू भी चला जाता तो ये कम से कम मेरे
अगर उनके साथ तू भी चला जाता तो ये कम से कम उधारी का बोझ तो मेरे सिर पे ना रहता। कोई काम धंधा तो करता नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। बट आप तो वन टेक में दिया। अगर उनके साथ तू भी चला जाता तो ये कम से कम उंगल आ गई, उंगल आ गई, चल चल सॉरी। अगर उनके साथ तू भी चला जाता तो ये कम से कम उधारी का बोझ तो मेरे सर पे ना रहता। कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। बताओ तो नहीं होता। बस मुझे नहीं पता, दो हफ्ते हैं तेरे पास, जिन जिन से तूने कर्जा ले रखा है। एक्शन। बस मुझे नहीं पता, दो हफ्ते हैं तेरे पास। हाँ, एक्शन। एक्शन। बस मुझे नहीं पता, दो हफ्ते हैं तेरे पास, जिन जिन से तूने 40 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है उनको उनके पैसे लौटा दे। क्लोज क्लोज क्लोज। एक्शन। अगर कोई भी मुझसे क्या हो गया, कुछ ना हुआ, एक्सपोजर लॉक कर देना। अगर कोई भी मुझसे पैसे मांगने आया तो मैं फांसी खाकर लटक जाऊंगा और मरने के बाद तेरा नाम लिख के। क्या बोल रहा है, फांसी खाकर मर जाऊंगा, लिख रखा। एक्शन। अगर कोई भी मुझसे पैसे मांगने आ गया तो मैं फांसी लेकर मर जाऊंगा और जाते जाते तेरा नाम लिख जाऊंगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार तू है। अब इसको फिर से बोल रहा हूं जान वाली में। एक्शन। अगर मुझसे कोई पैसे मांगने आ गया तो मैं फांसी खाकर मर जाऊंगा और जाते जाते तेरा नाम लिख दूंगा। बस अटक गया। अरे यार बोल, कुछ नहीं होता यार, क्या कर रहा है बस। छोड़ नहीं गए थे, मैं लेकर आया था तुझे यहां, लेकिन मुझे क्या पता। छोड़ नहीं गए थे, मैं लेकर आया था तुझे यहाँ, वो भी तरस खाकर, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू यहाँ के पैसों का कर्जदार बन जाएगा। अगर लोगों के पैसे दे नहीं सकता तो इतना कर्जा लिया ही क्यों। हेलो, नमस्कार सेठ जी। नमस्कार, बाद में, बहुत दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौटाएगा। जल्दी लौटा दूंगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में आज 11 महीने हो गए पर पैसे लौटाने का कोई नाम नहीं है। सेठ जी कुछ समय और दे दीजिए, मैं पैसे लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे जल्दी चाहिए, 2 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। ठीक है सेठ जी। हाँ ठीक है, नमस्कार। उठ गए शहजादे, जब देखो सोता ही रहता है। एक नौकरी थी वो भी छोड़ दी। मामा जी मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मिल जाएगी। मिल जाएगी, जब से तेरे माँ बाप छोड़ के गए हैं तब से मेरी जिंदगी में बोझ बन गया है तू। अगर उनके साथ तू भी चला जाता तो ये कम से कम उधारी का बोझ तो मेरे सिर पे ना रहता। कोई काम धंधा तो करता नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अब मामा जी मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए, इसमें भी मेरी गलती है क्या। छोड़ नहीं गए थे, मैं लेकर आया था तुझे यहाँ, वो भी तरस खाकर, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू यहाँ के पैसों का कर्जदार बन जाएगा। अगर लोगों के पैसे दे नहीं सकता तो इतना कर्जा लिया ही क्यों। तो मैं क्या करता मामा जी, मुझे बिजनेस में घाटा लग गया। बस मुझे नहीं पता, दो हफ्ते हैं तेरे पास, जिन जिन से तूने 40 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है उनको उनके पैसे लौटा दे। अगर कोई भी मुझसे पैसे मांगने आ गया तो मैं फांसी लेकर मर जाऊंगा और जाते जाते तेरा नाम लिख जाऊंगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार तू है। नहीं नहीं मामा जी, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ इस समस्या से, तो मुझे भी बाहर निकलना है।